आज नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि थी और अब 7 तारीख के चुनाव के लिए सब पॉलिटिकल तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको ज्ञात होगा वसुंधरा जी ने जब अपनी गौरव यात्रा शुरू करी थी तो उस समय हमने जनता की तरफ से प्रतिदिन एक सवाल पूछा था प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, और मुझे बड़ा खेद है बोलते हुए कि मुख्यमंत्री जी ने उन 37 सवालों को, 37 दिन चली, सवाल तो 40 थे मेरे पास, लेकिन वो हाईकोर्ट की पाबंदी के बाद भरतपुर संभाग में बाकी जगह वो गौरव यात्रा पूरी हो नहीं सकी, इसलिए 37 सवाल हमने पूछे थे, पर किसी भी सवाल का कोई भी जवाब वसुंधरा जी ने नहीं दिया। जवाब था नहीं या देना नहीं चाहती थी अलग बात है, लेकिन अब जब मतदान का दिन बहुत करीब आ चुका है और हम सब लोगों ने बहुत अध्ययन किया 5 साल में इस सरकार ने, जो लोगों को अंधकार की तरफ धकेला है, जनता के साथ विश्वासघात किया है, और अब अगले चुनाव के लिए नाना प्रकार की घोषणाएं और वादे करने की तैयारी कर चुके हैं, ये सही मौका था जब हम जनता की तरफ से सरकार से ना सिर्फ सवाल पूछने तक सीमित रखें, लेकिन जो एक चार्जशीट है, जो उन्होंने गलत काम किए हैं, जो उनकी पूरा गवर्नमेंस से लोगों को हानि हुई है, क्षति पहुंची है, उसका भी जवाब देने का समय आ गया है। 5 साल तक वसुंधरा जी के पास पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी, केंद्र में भाजपा की ही सरकार थी, दोनों तरफ सरकारें होने के बाद भी खुद के ही वादे पूरे ना करते हुए हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार, सामाजिक जो जरूरतें थी उनको नजरअंदाज करते हुए चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नाना प्रकार की स्कीम्स, 95,000 से ज्यादा हमारे पास सजेशंस और आइडियाज लोगों ने दिए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, वेबसाइट्स के माध्यम से SMS किए हैं, और लोगों ने, नौजवानों ने, किसानों ने, शहरी लोगों ने, गांव के लोगों ने अपने अपने क्षेत्र की, अपनी अपनी व्यक्ति, समाज और इलाके की बातों को रखा ताकि कांग्रेस पार्टी उसका संज्ञान लेकर एक जन घोषणा पत्र तैयार कर सके। वो काम अब अंतिम छोर तक पहुंच चुका है, बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी अपने जन घोषणा पत्र का अब लोगों करेगी, आपके सामने प्रस्तुत करेगी। दूसरा, 26 तारीख को राहुल गांधी जी का दौरा राजस्थान का है। सबसे पहले वो अजमेर जाएंगे, वहां पर पुष्कर और अजमेर दरगाह शरीफ का दर्शन करने के बाद उनका प्रोग्राम पोखरण का है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर जैसलमेर है, वहां पर आमसभा को संबोधित करेंगे पोखरण में। उसके बाद उनकी आमसभा होगी जालौर जिले में, जालौर जिला मुख्यालय है, वहां पर एक आमसभा को संबोधित करेंगे। तत्पश्चात वो जाएंगे जोधपुर शाम को, जहां पर एक बार आम सभा को संबोधित करेंगे। तो ये 4 कार्यक्रम उनके 26 तारीख के लिए कांग्रेस पार्टी ने तय किए हैं और वो 26 तारीख को प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। लेकिन आज मुख्य रूप से कुछ ऐसे बिंदु हैं जो, क्योंकि 5 साल का समय लंबा होता है और कितना भी हम लोग कहें लेकिन लोगों के जहन में वो सारी बातें, सारे आंकड़े याद नहीं रहते हैं। जरूरी बनता है हम जैसी पोलिटिकल पार्टीज को कि लगातार जनता को बताते रहे कि किस प्रकार का शासन उस पार्टी ने दिया है जिस पार्टी को जनता ने 165 विधायक जिताकर भेजे थे, कोई कसर जनता ने नहीं छोड़ी। पब्लिक की क्या गलती है, प्रधान, प्रमुख, MLA, MP, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, पूरी ताकत, पूरी सत्ता, पूरा अवसर जब बीजेपी को दिया, और परिणाम ये निकला है जो मैं आपके सामने कुछ चंद बिंदुओं को पढ़ के सुना रहा हूँ, और उसके बाद हम अपनी जो जनता का आरोप पत्र है वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप सभी जानते हो 2014 में जब सरकार का गठन हुआ था, उस समय राजस्थान के ऊपर जो कर्ज था, टोटल प्रदेश के ऊपर जो डेट था वो 1.9 लाख करोड़ का हमारे पे कर्ज था, वो आज 3.10 लाख करोड़ हो गया है। 1.09 लाख करोड़ पहले था, अब 3.10 लाख करोड़ हो गया है, लगभग 3 गुना। ये वसुंधरा जी बोलती है कि राजस्थान को बीमारों की श्रेणी से हमने निकाल दिया है, जनता को कर्ज के बोझ में दबाकर जाना, खजाने को खाली कर देना और बोलना कि मेरा फिस्कल और मॉनिटरी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ये आंकड़े बताते हैं कि पूर्ण तरह विफल रहा। सबसे ज्यादा जो पिसा है हमारा किसान पिसा है, इस बात को डेटा में बोल चुके हैं, और किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं
मुझे खेद है कि सरकार ने अपनी आंखें मूंद ली हैं और वास्तविकता से अपना चेहरा फेर लिया है। जिन लोगों ने जहर खाकर फांसी लेकर अपनी जाने ली हैं, उनके परिजनों के आंसू पोंछने हम लोग घरों में गए हैं। सरकार बोलती है कि ऐसा हुआ ही नहीं है, उन किसानों के व्यक्तिगत झगड़े थे, पारिवारिक झगड़े थे, ये जमीन के झगड़े थे। उसको सहानुभूति, उसको कंपनसेशन, उसकी मदद करना तो दूर, उसको स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार की हमें नई सरकार हमारे प्रदेश में चल रही है पिछले 5 साल से। अभी यूरिया की जो भयंकर किल्लत आ रही है, और मुझे आश्चर्य है कि केंद्र के मंत्री और प्रदेश की सरकार इस असलियत को पहचानने से मना कर रहे हैं। पुलिस की निगरानी में यूरिया का बंटवारा हो रहा है दुकानों के अंदर, हर जिले में किल्लत है। और जो लोग जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि राजस्थान के किसी जिले में चले जाइए और पता कर लीजिए कि वहां यूरिया की कितनी किल्लत है, कितना कालाबाजारी हो रही है, और कैसे पुलिस के डंडे के पहरे के नीचे वहां लोग यूरिया खरीद रहे, ले रहे हैं। कृषि दर में लगातार गिरावट आई है 2013-14 से लेकर 2017-18 में, जो पहले कृषि दर ज्यादा थी वो लगातार कम होती जा रही है। नरेगा को लगभग लगभग इस सरकार ने समाप्त कर दिया है। जो नरेगा कार्यक्रम शुरू किया था उसको सरकार ने जाने या मैं समझता हूँ जानबूझ के लगभग समाप्त कर दिया। किसी भी जिले में कहीं नरेगा पुख्ता रूप से काम हो रहा है मैं नहीं मानता हूँ, अगर हो भी रहा है तो लोगों की पेमेंट्स बहुत लेट हो रही हैं। 100 दिन पूरा करने वाले परिवार जो थे राजस्थान में 4,70,000 थे, अब 2,40,000 रह गए हैं। जो 100 दिन का पूरा काम कर सकते थे परिवार, पहले 4,70,000 थे, अब 2,40,000 रह गए। एक सबसे बड़ा सफेद झूठ वसुंधरा जी ने बोला मोदी साहब के सामने, कहा कि ना सिर्फ हमने 15 लाख लोगों को रोजगार दे दिया है, वो संख्या 44 लाख है। फिर चतुराई से बोला कि जॉब नहीं दिए हैं, एम्प्लॉयमेंट दी है, नौकरी और रोजगार। इस शब्द के खेल में लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। 44 लाख हम लोगों ने नौकरियां और रोजगार दिए हैं, मतलब हर विधानसभा क्षेत्र में 22,000 लोगों को नौकरियां मिली है। मैं तो कई सालों से कह रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं कि वसुंधरा जी, ये 44 लाख जो लोग आप क्लेम करते हैं, आप नौकरियां दी हैं, इन सबके हमारे अखबार वाले मित्र बैठे हैं, अपने अखबारों में फ्री में इनके नाम नंबर छाप दो ताकि हम सब उनको फोन करके मुबारकबाद दे सके आपको नौकरी लगी। वसुंधरा जी ने बहुत भाषण दिए 2013 नवंबर के महीने में जयपुर में, चेन स्नैचिंग हो रही है, महिलाएं असुरक्षित हैं, अपराध की दर में राजस्थान और जयपुर टॉप सिटीज और टॉप स्टेट में हमारी रही है। पिछले 4 सालों में चेन स्नैचिंग की 1936 घटनाएं हुई हैं और जयपुर जयपुर में सिर्फ 722, सिर्फ चेन स्नैचिंग एक अपराध में गिन रहा हूं, बाकी नहीं गिन रहा हूं। प्रदेश भर में 1936 और जयपुर के अंदर 722। महिला मुख्यमंत्री हैं, पिछले 4 साल में औसत बलात्कार प्रतिदिन 8 से 10 थे, लेकिन 2018 में जो बलात्कार की घटना है प्रतिदिन 13 हो गई। गृहमंत्री जी बोलते हैं कि अपराध कम हो रहा है, व्यवस्था सुधर रही है, आंकड़े बिल्कुल विपरीत बताते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की बहुत इन्होंने ढिंढोरा पीटा था, लोगों से जबरदस्ती शौचालय बनवा दिए। 17 लाख परिवार राजस्थान में आज ऐसे हैं जिनके शौचालय निर्माण का जो भुगतान होता है सरकार ने नहीं किया है। 17 लाख परिवार, बिजली की व्यवस्था के सामने, लेकिन 5 साल में लटकते हुए बिजली के तार, ट्रांसफॉर्मर और बिजली से करंट खाकर जो मौतें हुई हैं वो 2000 से ज्यादा है नागरिकों की, पशुओं की वो गिनती नहीं है। लेकिन भटकते तारों के साथ, ट्रांसमिशन के साथ जो नाकामियां रही हैं वो हमारे सामने हैं, और जो लॉस इन ट्रांसमिशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो सबसे ज्यादा क्षति जो चोरी हो रही है बिजली की, उस जिले में राजस्थान में शायद झालावाड़ जिला सबसे ऊपर आता है इसके अंदर। अब क्यों है आप कल्पना कर सकते हो, बड़ी बड़ी परियोजना शुरू करें जिनका कॉस्ट एस्केलेशन दुगना हो गया है, और अब एक और दुगना थमा दिया पूर्वी राजस्थान के लोगों को।
का 37,000 करोड़ रुपए की हम एक ईस्टर्न रीजन के अंदर पानी की परियोजना बना रहे हैं। 37,000 करोड़ रुपए की कब तो परियोजना बनेगी, कब डीपीआर बनेगी, कब अप्रूवल आएगा, कब काम होगा, लेकिन ये जुमला हमारे 12-13 जो जिले हैं पूरे राजस्थान के, क्योंकि उनको मालूम है कि इस बार वहां पूरा सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए ये पानी की परियोजना का एक जुमला थमा दिया 37,000 करोड़ रुपए का। प्रधानमंत्री भी आए थे, अजमेर में सभा कर रहे थे जब आचार संहिता लागू हुई, अगर केंद्र सरकार चाहती तो उस दिन अनाउंस कर सकती थी, लेकिन वो भी चतुर है ना केंद्र सरकार वाले भी, वो योजना क्यों अनाउंस करेंगे, जब दिसंबर में सरकार कांग्रेस की बन जाएगी तो फिर तब भी परियोजना को लागू करना पड़ेगा। तो कांग्रेस की आने वाली सरकार की मदद केंद्र सरकार अभी से नहीं करना चाहता, ये भी मोदी साहब ने उसे स्पष्ट कर दिया। हर क्षेत्र में साथियों, शिशु मृत्यु दर देश में जितनी है 34 है, राजस्थान की 41 हो गई है। स्कूल सारे बंद कर दिए निजी हाथों में। रिसर्च ने राजस्थान का इतना प्रचार किया था और कहा कि लगभग 3.5-4 लाख करोड़ रुपए का निवेश राजस्थान में आएगा। हकीकत यह है कि एमओयू किए 470, ड्राफ्ट एमओयू बने 200, 4 लाख करोड़ का वादा किया था रिसर्च राजस्थान के, और रिसर्च राजस्थान का आयोजन करने में गड़बड़ी नहीं, वो अलग सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए मैनेजमेंट में, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, अफसर अधिकारी दुनिया भर में गए लोगों को बुलाने के लिए, पर पिछले 1.5 साल से मैंने किसी सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री से ये शब्द रिसर्जन राजस्थान कभी सुना ही नहीं है, साफ सुन लिया, क्योंकि 4 लाख करोड़ का वादा किया था, 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, सिर्फ ईंट लगी है, कोई प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ, कोई प्लांट कमीशन नहीं हुआ, कोई लोगों को रोजगार नहीं मिला है। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आवंटन किया गया 7,000 करोड़ रुपए, 4 साल में खर्च किए 264 रुपए। मैं तो सुझाव देने वाला था बजाय इसके कि देश भर में आप शहरों का नाम बदल रहे हो, जो अजमेर है जयपुर का नाम बदल के स्मार्ट सिटी रख दो, आप नाम बजाय जयपुर अजमेर के स्मार्ट सिटी रख दे तो बेहतर है, कम से कम खाना पूर्ति तो हो जाएगी। बाकी भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है, जो लोग आरोपी थे खान घोटाले में उनको प्रमोशन दिया जाता है, कोई कार्रवाई करने का छोड़ दीजिए, लेकिन जांच लंबित है, जांच लंबित होने के बावजूद भी लोगों को रिडक्ट किया गया, उनको प्रमोट किया गया। केंद्र की सरकार बड़ा योगदान दे सकती थी, सारे सांसद बीजेपी के हैं, मंत्री बीजेपी के हैं, बड़ी बड़ी बातें आजकल केंद्र के मंत्री आके जयपुर में कर रहे हैं, लेकिन ये सब लोग कहां पे थे पिछले 4.5 साल में, जब प्रदेश में लूटपाट हुई, बलात्कार हुआ, ओला आया, बाढ़ आई, सूखा पड़ा, हिंगोनिया की हजारों गांव मर गई, मंदिर टूट गए, अत्याचार हुआ, संकट आया प्रदेश के अंदर, फसलें नष्ट हो गई, तब कोई हमें नहीं दिखा, और अब चुनाव के समय आके सब अपना अपना भाषण दे रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। अगर आप प्रतिनिधित्व करते थे तो दिल्ली में बैठ के पैर नहीं करते, सरकार को बजट मिलता, हमारा लोन वोट सैंक्शन होता, स्पेशल स्टेट का स्टेटस हम लोगों को मिल सकता था, कौन देख रहा था आपको? आप कभी राजस्थान की भाषा की बात करते हैं, आप कभी स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, कौन बोल रहा है आपको संविधान में संशोधन करके पार्लियामेंट में पास करने के लिए? हम सब सपोर्ट करने को तैयार हैं, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है, संकल्प शक्ति नहीं है, क्योंकि मालूम है चुनाव आएगा फिर झूठ बोलेंगे, फिर जुमले देंगे और फिर वोट ले लेंगे। रेलवे लाइन्स जो जो कांग्रेस के टाइम में शुरू करी, रेलवे लाइन जो अप्रूव थी, सैंक्शन थी, जो पिंक बुक में जगह पा चुकी थी, डूंगरपुर रतलाम वाली लाइन सोने वाली चालू करके गई थी, यहाँ पे आके पहली बार स्ट्रगल बैठ में रेल जाती, काम रुका पड़ा है। अजमेर तो सलामाधपुर वाली रेल लाइन 878 करोड़ रुपए की सैंक्शन हो गई प्लानिंग कमीशन से, रेलवे मिनिस्ट्री से, रेलवे बोर्ड से, सब काम चालू होने वाला था, लेकिन क्योंकि उस पर परछाई कांग्रेस की थी, इसलिए द्वेषपूर्ण भावना से उस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। बहुत सारी लाइनें हैं, उसका मैं विवरण आपको इस चार्जशीट में डालूंगा। यूनिवर्सिटी हमने खोली, उनको बंद कर दिया, स्कूल हमने चलाया, उनको बंद कर दिया। भामाशाह योजना के अंदर सिर्फ फोटो छपवा कर अपनी पार्टी का प्रचार किया था, जो उसमें भ्रष्टाचार, भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर कोई जांच नहीं करी गई। हम स्कीम्स बंद करने की बात नहीं करते, लेकिन स्कीम्स में अगर कोई साफ तौर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, एक कार्टेल बना हुआ है,
अस्पतालों का, एजेंट्स का और चंद सत्ता के गरीब लोगों का, वो लगातार उस कार्ड का मिसयूज करके करोड़ों खरबों रुपए निकाल रहे हैं, उसमें से जांच के आदेश देने में सरकार कतरा रही है, क्योंकि फिर सरकार की योजना पर सवाल उठ जाएगा। जांच होगी, जो अफसर अधिकारी गलती कर रहे हैं उसको सजा भुगतनी पड़ेगी, जो राजनेता उनको शेयर ले रहे हैं उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। स्कीम अच्छी पूरी नहीं होती है, उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है देखना पड़ेगा। इसलिए आज हम कांग्रेस पार्टी के सभी लोग पिछले 5 साल की वसुंधरा जी की सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट, एक आरोप पत्र तैयार करके आपके समक्ष रख रहे हैं। अब समय जवाब मांगने का नहीं है, अब तो समय बदलाव करने का है, और 7 तारीख को बदलाव होगा, नीचे से ऊपर तक होगा, पूरे देश में मैं समझता हूँ संदेश जाएगा कि राजस्थान की जनता इस प्रकार की सरकार को स्वीकार नहीं करेगी। एक घमंड और गुरूर से बैठी हुई सरकार है, बड़े बड़े महलों में बैठकर दरवाजे बंद करके जनता से दूर रहे, जब चुनाव आया और उपचुनाव हार गए तो बस की छत पर चढ़कर अपना सरकारी खर्च पर घूमने का अपने प्रोग्राम बनाया, उसकी हवा निकल गई है, जनता नकार चुकी है, रही खुशी जो कसर है वो 7 तारीख को पूरी हो जाएगी।